दोस्तों क्या हाल चाल है। मेरा नाम हैदर अब्बास तमाया आज खाना जो आज इंशाल्लाह आगे आ जाए फिर ऐसे ऐसे चलते हैं। सारे दोस्त इससे शामिल हो जाएं, जो दुकानदार ये लोग शामिल हो जाएं, तो ये गुमती सतह पे हम अपना एहतियाज रिकॉर्ड करा रहे हैं ताकि हम बाल जरे कहना बाल लगता है वालों इतराज करें कि सारा बच्चा मंशात पे लग गए आज ही आवाज उठाते पे तो उनके सारे दाग बन रहे शरीफ की मैंने ये सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सारे लोग इसमें शामिल हों, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए शामिल हों। ये हमारा अच्छा मुस्तकबिल देते हैं। सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस रेली में शामिल हों, अपने बच्चों के खातिर शामिल ताकि ज़्यादा लोग शामिल होंगे, उससे अच्छी पावर शो के इंतजाम तक आवाज पहुँचेगी। सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस रेली में शामिल हों। आपके बच्चों के मुस्तकबिल के सवाल है, ये हमें तो तस्वीरें बनाने का शौक नहीं है कि ना ही हमें इससे जाति वफा है, ये आप लोगों के बच्चों के लिए है, आप लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल है इसके अंदर। तो सब लोग मुझे ये रिक्वेस्ट है कि आए और इसी काज में रैली में भरपूर शिरकत करें ताकि आपके बच्चों को मुनशात से बचाया जा सके, इंतजामिया तक ये बात पहुँचाई जाए कि इंतजामिया इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले ताकि जो कौम के मवाल है, कौम का जो मुस्तकबिल है वो हम सब जानते हैं कि मुंशियात एक बुरी आदत है और जिसको लगती है तो उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तो जब तक हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती है, इस मुकद्दस जगह के हवाले से, मंशियात के हवाले से इसका मशहूर होना, ये हमारे लिए बायस अफसोस है। और हम समझते हैं कि यहाँ के बाशऊर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और इन नौजवानों के साथ जिद्दोजहद में शामिल होना चाहिए। आज हम लोग भी यहाँ पे शरीक हैं और हम समझते हैं कि हमने अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है। आज हमारा पढ़ा लिखा नौजवान मंशियात से मुतासर हो रहा है, वो अपने मुस्तकबिल को तारीख कर रहा है, ख़ानदान की उम्मीदों को अंधेरों में बदल रहा है। हम ये समझते हैं कि इस जिद्दोजहद ने कामयाब होना है, अवाम ने शऊर के साथ आगे बढ़ना है और इंतज़ामिया को मजबूर करना है कि वो उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले जो मंशियात फरोशी में मुलव्वस हैं, जो हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग इस रैली के अंदर शरीक हैं, इस मुजाहरे के अंदर शरीक हैं, वो भी काबिले मुबारकबाद हैं। और मैं समझता हूँ कि आज मीडिया के ज़रिए से ये बात आगे पहुँचाई जा रही है कि इस लानत के खात्मे के लिए ये बारिश का पहला कतरा है, लेकिन इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दरकार हैं। बहुत से मौजज़ीन भी यहाँ शरीक हैं, मैं उनका मशकूर हूँ, और ये जिद्दोजहद इंशाल्लाह कामयाबी तक जारी रहेगी। यहाँ पे आप लोगों को मंशियात फरोश के सामने ना आना पड़े, लेकिन अदारे उसके ऊपर एक्शन लें आपकी मशवरे पर, आपकी हिदायत पर, और इन मंशियात फरोशों की रोकथाम करने के लिए जितनी कोशिश हो सकी हम करेंगे। लेकिन फिर मैं बार बार कहूँगा, आप लोगों का तावन और साथ हमें चाहिए होगा हर लम्हे। इसमें आप लोग थोड़ा सा हिम्मत करें, हमारे साथ शामिल हों। बाकी हमारी पूरी कोशिश होगी कि मंशियात के रोकथाम के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करें। पहला इलाका, अस्सलाम वालेकुम। मैं सराकी दे विच गल कर रहा हाँ, क्योंकि मैं बेसिकली सराकी स्पीकिंग हाँ। यही एक वली दरबार है, तो पता है इहदा तकद्दस बेहतर जानते हो तुसां।
ते पूरे जिले दे विच सब तो ज़्यादा बदनाम साडा है राजन शाह दरबार है मनशियात दे हवाले नाल। ते असां अज तक कोई स्टैप नहीं चाया इंदे खिलाफ। लोगों का गिला है कि तुसा कोई स्टैप नहीं चाहते जी, चुप करके दे दे रहे वेंदे मनशियात विकदी पई है। ते पूरे जिले च मेरे ख्याल 90% मनशियात साडे राजन शाह दरबार तो सप्लाई थी है पूरे डिस्ट्रिक्ट 90% मनशियात। ये मैं दावे नादा बयान हकैक ही वे मॉडर थी गया, हबीब थी गई, चर्च थी गई, भंग थी गई। तो मेरी गुजारिश है इंतजामिया तू कि सख्ती नाल इन्हों का नोटिस गिन के इन्हों के खिलाफ सख्त सख्त तो सख्त कार्रवाई की वजे और साढ़े पिछले बदनामी हटाई वजे। यकीन करो कि सारे लोग जितने भी इन राजन शाह बहुत पुरमन लोग हैं और अच्छे लोग हैं। कोई नहीं चाहता कि सारे शहर मनशियात हो या सारा शहर बदनाम हो। असा चाहते हैं कि असा नेक नाम हो जिमें एक सखी के दरबार से असर रन जिमें पाक धरती की अजमत है पाक धरती की एक हुरमत है ऊँ हुरमत के हवाले नाल सारी इज्जत भी बार ऊँ थी वे। लेकिन सारी रेपुटेशन क्या बहती है कि राजन शाह मनशियात फरोशा का शहर है। खुदा की कसम चा क्या दफिया कि साढ़े आप हर के लोग अपने छोटे बच्चों को घरों बहर नहीं निकलने दे कहीं मनशियात से न लग वजन है। हकै की वैसे ही सच्ची गाल आता पिया मैं बिल्कुल हकै की वैसे अपने बच्चों को कहने कि गेट तो बहर न मंजो मुँह कहने तो आपको मनशियात फरोज मनशियात से ला देवे सारे गवाह खड़े शहर वाले कह को पूछ गिनो अपने बच्चों की सब तो पहली केयर क्या करें अगवा कार की नहीं करें पिया कत्ल की नहीं करें डकैटी चोरी की नहीं करें सब तो ज्यादा केयर अस अपने बच्चों की यह करें कि मनशियात से न ला देवे सारे बच्चों को। ई हद तक असा खौफ दता है मनशियात दे उतू गली गली फैल चुकी है और इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि तो मैं कह दसा टन्ना मना के हिसाब से तबिक दिए और ज़िले के भी 90% मनशियात सारे शहर सप्लाई थी है। और मेरी ख्वाहिश है और इंतजामिया को अपील है तुसा माशाल्लाह सरकर्दा लोग खड़े हुए सारे तो आपको भी मेरी गुजारिश है सारा साथ दो सारे शहर को मनशियात तो पाक करो। शुक्रिया वसलाम। मनशियात ने माशरे को यकीन तबाह किया हुआ है। घर में अगर एक फर्द मनशियात पे लगा हुआ है तो पूरा बात है। मैं शाह साहब के साथ पहली मूवमेंट हमारी राजन शाह से शुरू होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी का पहला एक्शन मुझे बताएं। कल परसों इंशाल्लाह हमारा भी 2-3 दिन हुए नोटिफिकेशन हुआ है। डीपीओ डीसीओ से मीटिंग करके पहली इब्तदा इंशाल्लाह हम राजन शाह से करेंगे। और आप ये बताएं जो मनशियात फरोश है आप उनका जाती इख्तलाफात को मद्देनजर ना रखिएगा। उनका बताएं इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अदारे ये पुलिस ये महकमे आपके साथ चले। आप सिर्फ शाह साहब को बताएं हम सब साथ हैं और इंशाल्लाह मनशियात से कोशिश करेंगे अपने आने वाली नस्ल को बचा सके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि